Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की इटालियन फिल्म पुट ग्रैंडमा इन द फ्रीजर के बारे में, जो एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपनी दादी की पेंशन पर जीती है और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी लाश को छुपाने की कोशिश करती है, पर उसके सारे प्लान्स उल्टे पड़ जाते हैं जब एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को उससे प्यार हो जाता है। किसी चर्च में एक पादरी एक जवान लड़के की शादी करवा रहा था और उसकी होने वाली पत्नी एक बूढ़ी औरत थी जिसका एक पैर कब्र में था। वो पादरी शादी करवाते हुए उस लड़के को ताने मारने लगा, ये कहकर कि उसने उस बूढ़ी औरत का पेंशन और उसकी जायदाद पाने के लिए उससे शादी की है। इतना ही नहीं, वो वहाँ मौजूद हर इंसान को क्रिमिनल कहने लगा और फिर उसने अपनी असली पहचान बताई। वो पादरी असल में एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है जिसने उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो पैसों के लिए उस बूढ़ी औरत और उस लड़के की शादी करवा रहे थे। पर फिर वहाँ एक दूसरा ऑफिसर आ गया और इस सारे ऑपरेशन का क्रेडिट उसने खुद ले लिया। दूसरी ओर क्लॉडिया नाम की एक औरत एक म्यूजियम में पेंटिंग्स बिगाड़ने की धमकी दे रही थी। रिपोर्टर्स के जरिए उसने दुनिया को बताया कि उसे उसके काम के पैसे नहीं दिए जाते और उसे अपनी दादी के पेंशन पर जीना पड़ता है। क्लॉडिया के बिजनेस पार्टनर्स ने उसे बताया कि उसकी दादी फिर से कह रही है कि वो मरने वाली है। ये सुनते ही क्लॉडिया अपने घर चली गई, पर वहाँ जाकर उसे पता चला कि हर बार की तरह उन्हें सिर्फ एसिडिटी हुई है। क्लॉडिया की दादी का कहना था कि वो दुनिया छोड़कर मुक्त होने के लिए तैयार है, पर उन्हें फिक्र सिर्फ इस बात की है कि उनके जाने के बाद बिना उनकी पेंशन के क्लॉडिया तकलीफों में पड़ जाएगी। क्लॉडिया और उसके बिजनेस पार्टनर्स वहाँ से जाने लगे और जाते हुए उसकी दादी ने कहा कि मरने से पहले वो सूप पीना चाहती है, और ये बात बोलते ही उस घर की और क्लॉडिया की दादी की बत्ती गुल हो गई। क्लॉडिया का डर सच में बदल गया। अपनी दादी की मौत से परेशान क्लॉडिया ये सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा। तब उसकी पार्टनर ने उसे बताया कि ऐसे कई लोग हैं जो पेंशन के पैसे जारी रखने के लिए बॉडी को फ्रीजर में रखते हैं और मौत की सच्चाई को छुपाते हैं। ये सुनकर पहले तो क्लॉडिया गुस्से में आ गई, पर फिर उसके पार्टनर्स ने उसे समझाया कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और जिस दिन उन्हें म्यूजियम से पैसे मिल जाएंगे उस दिन वो इस नाटक को खत्म कर देंगे, और कुछ महीनों के लिए अपनी दादी को फ्रीजर में छुपाने के लिए वो मान गई। वो अगले दिन खुशी खुशी पेंशन के पैसे लेने गई, पर वहाँ जाने पर उसे कहा गया कि उसे पैसे मिलने में एक महीना लगेगा क्योंकि उसकी फाइल वेटिंग लिस्ट में है। ठीक उसी वक्त वहाँ वो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर सिमोन भी मौजूद था जो छिपकर उस गवर्नमेंट ऑफिसर पर नजर रख रहा था, और उसने रिश्वत लेने के जुर्म में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। क्लॉडिया उस आदमी का साइन चाहती थी ताकि उसे पेंशन मिल सके, और इसीलिए उनका पीछा करने लगी, और तब पहली बार क्लॉडिया को देखकर सिमोन को उससे प्यार होने लगा। पर उनकी मुलाकात सिमोन के लिए दर्दनाक साबित हुई और गलती से क्लॉडिया ने सिमोन को सीढ़ियों से गिरा दिया। अगले दिन क्लॉडिया उससे माफी मांगने हॉस्पिटल आई। उसने सिमोन को अपने हालात समझाए और तब सिमोन के साथियों ने देखा कि वो उसे कितना पसंद करने लगा है। हॉस्पिटल से निकलते ही वो लोग सिमोन के सामने कई सारे केसेस लेकर आए और उन केसेस के बीच में उन्होंने क्लॉडिया की तस्वीरें छिपा दी। उसकी तस्वीरों में गुम सिमोन को उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं सिमोन अब अकेले जिंदगी बिताना बंद करे और क्लॉडिया के घर उससे मिलने जाए, पर सिमोन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन लोगों ने उसे मनाने के लिए बहुत सारी शराब पिलाई, और शराब के नशे में उसने कह दिया कि वो क्लॉडिया से प्यार करता है। कुछ वक्त बाद जब शराब का नशा उतरा तो सिमोन ने उन्हें सच छुपाने के लिए कहा और कहा कि वो डरता है किसी भी लड़की से बात करने। इस बात से नाराज होकर उसकी असिस्टेंट ने उसे ऐसे धमकाया जैसे कि वो सिमोन की सीनियर हो, और फिर वो तीनों ही चुप हो गए। अगली सुबह सिमोन क्लॉडिया के घर गया और डर के मारे क्लॉडिया अपनी दादी की मौत की सच्चाई छिपाने में लग गई। एक तरफ जहाँ प्यार में डूबा सिमोन घबरा कर उससे बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्लॉडिया इस बात से डर रही थी कि कहीं सिमोन को सच ना पता चल गया हो। पर वो सिमोन से अपनी दादी का सच छुपाने में कामयाब हुई, और कुछ वक्त बाद सिमोन वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने क्लॉडिया की दादी के बारे में कुछ सवाल पूछे और कहा कि वो जल्द ही उससे वापस मिलने आएगा। इस बात से उसे लगने लगा कि सिमोन को सचमुच उस पर शक हो गया है, और उसने अपने पार्टनर्स रोजाना और मार्गी के साथ मिलकर अपनी दादी को फ्रीजर से बाहर निकालने का प्लान बनाया। दूसरी ओर सिमोन अब भी सिर्फ काम में डूबा हुआ था, और उसके साथियों ने उसे क्लॉडिया के साथ डेट पर जाने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया।
अगले दिन क्लॉडिया ने अपनी दादी की बॉडी को बाहर निकाला, जिस पर जमे बर्फ को पिघलने में 15 घंटे लगने वाले थे। और ठीक उसी वक्त वहाँ सिमोन आ गया और वो सब उस बॉडी को छिपाने में लग गए। सिमोन क्लॉडिया को डिनर पर बुलाना चाहता था, पर वो कुछ कह नहीं पाया और सिर्फ घबराने लगा। वो अंदर आने की जिद करने लगा और सही वक्त पर मार्गी और रोजाना ने उस बॉडी को सही जगह पर रख दिया और सिमोन को लगने लगा कि क्लॉडिया की दादी अब भी जिंदा है। जब क्लॉडिया सिमोन को दूसरे कमरे में ले गई, तो बहुत देर तक घबराने के बाद आखिरकार सिमोन ने उसे डेट पर चलने के लिए कह दिया। और क्योंकि क्लॉडिया उसे घर से जल्द निकालना चाहती थी, वो बिना वक्त गवाए जाने के लिए मान गई। पूरे डेट पर सिमोन सिर्फ अपने काम की बातें कर रहा था, जो सुन सुनकर क्लॉडिया परेशान हो गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे क्लॉडिया और ज्यादा परेशान हो गई। वो डेट क्लॉडिया के लिए बद से बदतर होती जा रही थी। और वक्त निकालकर जब उसने रोजाना से बात की, तो उसे पता चला कि उन्होंने उसकी दादी की बॉडी फिर से फ्रीजर में रख दी है। एक बहुत ही बुरा डेट बिताने के बाद क्लॉडिया अपने घर वापस आई, पर वहाँ पहुंचकर भी उसकी तकलीफें खत्म नहीं हुई। उसके और सिमोन के पीछे कुत्ते पड़ गए और उन्हें घर के अंदर भागना पड़ा। घर में जाने के बाद उसे पता चला कि उसके घर पर लाइट नहीं है। अचानक उसने देखा कि सिमोन फ्रीजर साफ करने लगा था, क्योंकि उसे लाइट ना होने की वजह से फ्रीजर से बदबू आ रही थी। उसे फ्रीजर से दूर ले जाने के लिए क्लॉडिया ने कह दिया कि वो उससे प्यार करने लगी है। सिमोन फिर भी फ्रीजर साफ करने की बातें कर रहा था। किसी तरह क्लॉडिया उसे वहाँ से ले गई, पर अब भी सिमोन की नजर फ्रीजर पर ही थी। सही वक्त पर लाइट वापस आ गई, पर अब क्लॉडिया सिमोन के साथ फंस चुकी थी और सिमोन को लगने लगा था कि क्लॉडिया उससे सचमुच प्यार करती है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्लॉडिया ने अपने दोस्तों की सलाह ली और उसने उसके सामने अपनी खराब इमेज बनाना शुरू कर दिया। वो अजीब बर्ताव करने लगी और एक नशेड़ी साइको होने का नाटक करने लगी। उसके बदले बर्ताव को देखकर सिमोन डर गया और क्लॉडिया सबके सामने तमाशा करने लगी। और इस नाटक का अंजाम सिमोन को भुगतना पड़ा। दिन के अंत तक क्लॉडिया से डरकर सिमोन भाग गया और उसका प्लान कामयाब हो गया। पर प्लान कामयाब होने के बावजूद क्लॉडिया को बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद ऑगस्टो नाम का एक आदमी क्लॉडिया की दादी को ढूंढता हुआ उसके घर आ पहुंचा, क्योंकि कई दिनों से क्लॉडिया ने ऑगस्टो से अपनी दादी की बात नहीं करवाई। वो समझ गया था कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है और उसने कहा कि अगर शाम तक उसकी दादी उसे ना दिखाई दी तो वो पुलिस को बुला लेगा। उस आदमी से निपटने के लिए रोजाना के पास एक आइडिया आया। उसने क्लॉडिया को मेकअप से बूढ़ा बना दिया और वो अपनी दादी बनकर ऑगस्टो से मिली। ऑगस्टो कई सालों से उनसे नहीं मिला था, इसलिए वो क्लॉडिया को पहचान नहीं पाया। वो 50 सालों से क्लॉडिया की दादी से प्यार करता आया है और अब अपनी पत्नी की मौत के बाद वो आजाद था और उसने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया था। तब क्लॉडिया को पता चला कि उसकी दादी का 50 सालों से इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसने कह दिया कि अब वो किसी और आदमी से प्यार करती है और उसने ऑगस्टो को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक उसी वक्त वहाँ सिमोन आ पहुँचा और क्लॉडिया को उसकी दादी समझकर उसने बताया कि वो जानता है क्लॉडिया सिर्फ उसे अपने से दूर करने के लिए नाटक कर रही थी। उसने कहा कि वो क्लॉडिया से सच्चा प्यार करने लगा है और जानता है कि क्लॉडिया को कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। सिमोन की बातें सुनकर क्लॉडिया बहुत खुश हुई और अपने कमरे से बाहर निकलकर वो अपना मेकअप जल्द से जल्द निकालने लगी, ताकि वो क्लॉडिया बनकर सिमोन के पास वापस चली जाए। और उस दिन से उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। जब उनके रिलेशनशिप के बारे में सिमोन के साथियों को पता चला, तो वो सारे बहुत खुश हुए और सिमोन की खुशी को सेलिब्रेट करने लगे। सिमोन और क्लॉडिया एक साथ वेकेशन पर गए और एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। क्लॉडिया को अब इस बात का डर था कि उसका सच जानने पर सिमोन क्या करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो किसी भी जुर्म को इग्नोर नहीं करता। और उसने अपनी एक्स वाइफ को भी जेल में डाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 8,000 रुपए का टैक्स नहीं भरा था। क्लॉडिया अपने प्यार में खोई हुई थी और जल्द ही सिमोन से शादी करने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर रोजाना ने उसे बॉडी के बारे में याद दिलाया और उससे कहा कि उन्हें जल्द से जल्द लाश को ठिकाने लगाना होगा। एक तरफ सिमोन गुनहगारों को पकड़ने में लगा था, तो दूसरी तरफ क्लॉडिया अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक और बड़ा गुनाह करने वाली थी। वो तीनों लाश को गाड़ी में ले जाने लगे और रास्ते में रोजाना गुस्से में अचानक गाड़ी तेज चलाने लगी। उसके गाड़ी तेज चलाने की वजह से रास्ते में उन्हें सिमोन के साथियों ने रोक लिया और क्लॉडिया उन लोगों से अपना चेहरा छुपाने लगी। उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में रोजाना और मार्गी ने चीजें और बिगाड़ दी और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा गया। हालात बद से बदतर हो गए और फिर सिमोन को वहाँ बुलाया गया।
क्लॉडिया को लगा कि सिमोन के आने से उसके साथी क्लॉडिया को जाने देंगे, पर सिमोन खुद गाड़ी की छानबीन करने लगा क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और जब उसने दरवाजा खोला तो गाड़ी से लाश गायब थी। तब उन लोगों को समझ आया कि रास्ते में जब रोजाना ने गाड़ी तेज चलाई थी तो स्पीड ब्रेकर के आने से दरवाजा खुल गया था और व्हीलचेयर पर रखी लाश वहां से निकलकर रोड पर चली गई। वो लाश पहाड़ से नीचे जाने लगी और उसे ऑगस्टो ने देख लिया। मार्गी के मुंह से गलती से ये निकल गया कि उस गाड़ी में एक बूढ़ी औरत थी जो अब गायब है। और फिर सिमोन क्लॉडिया से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछताछ करने लगा। सिमोन को लगने लगा कि क्लॉडिया ने कोई स्टैचू चुराई है, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने की बात भी की। उसकी इस ईमानदारी को देखकर सिमोन के साथी भी परेशान हो गए, पर उसने उनमें से किसी की नहीं सुनी। दूसरी ओर लाश पहाड़ की चोटी से नीचे आई और एक जंगल की तरफ गिर गई और उसके पीछे पीछे ऑगस्टो भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। सिमोन ने क्लॉडिया से कहा कि उसे हमेशा से शक था कि उसने फ्रीजर में एक लाश छिपाई है, इसीलिए वो बार बार उसके घर आया करता था और घर की छानबीन करता था। उसने कहा कि आज उसका ये शक यकीन में बदल गया, पर चाहकर भी वो क्लॉडिया को गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पेट में उनका बच्चा है और वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा जेल में पैदा हो। पहली बार उसने एक गुनाह को अनदेखा करने का फैसला कर लिया, पर फिर उसे पता चला कि क्लॉडिया ने अपनी दादी की लाश को खो दिया है और ये जानकर वो परेशान हो गया। ऑगस्टो को लाश के पास जाने पर जब सच पता चला तो उसने पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस को सच बताने से पहले ही उसे हार्ट अटैक आ गया। क्लॉडिया सोच रही थी कि सिमोन ने अपने प्यार के लिए उसे आजाद करने का फैसला किया है, पर सिमोन ने कह दिया कि उन दोनों का रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और वो ये सब कुछ सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है। उसने पुलिस वालों को भटकाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और अलग अलग जगह फैला दिया ताकि उनकी नजर से बचकर क्लॉडिया लाश ढूंढकर उसे छुपा पाए। मार्गी और रोजाना को लाश तो मिल गई, पर साथ ही उन्हें मरा हुआ ऑगस्टो भी मिला। जब वो ऑगस्टो की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगे तो फिर से क्लॉडिया की दादी की लाश गायब हो गई और जल्द से जल्द ये बात बताने के लिए वो लोग क्लॉडिया के पीछे उसके घर गए। क्लॉडिया को लगने लगा कि वो अब सचमुच जेल चली जाएगी, पर फिर उन्हें पता चला कि किसी ने वो लाश क्लॉडिया के घर में ही रख दी है। अचानक सिमोन के जनरल और उसके साथी एक गुंडे को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस लाश को घेर लिया और उस लाश से कपड़ा हटाने लगे। तब उन सबको पता चला कि उस व्हीलचेयर पर कोई लाश या गुंडा नहीं, एक स्टैचू है। वो आदमी जो सिमोन का क्रेडिट हर बार छीन लिया करता था आज जनरल के सामने एक मजाक बन गया है। क्लॉडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब वो घर के अंदर गई तो उसे पता चला कि उसे बचाकर लाश को घर में छिपाने वाला कोई और नहीं, सिमोन ही है, और सिमोन ने उसे माफ कर दिया है। अंत में सब कुछ ठीक करके सिमोन और क्लॉडिया साथ रहने लगे और सिमोन ने उसे माफ करके एक फ्यूनरल खत्म किया, पर वो फ्यूनरल उसकी दादी का नहीं था बल्कि ऑगस्टो का था। उन दोनों ने शादी करके क्लॉडिया की दादी को घर में तब तक रखने का फैसला किया जब तक उनकी आखिरी सैलरी उनके पास ना आ जाए, क्योंकि क्लॉडिया की कंपनी के साथ साथ अब उनके सर पर एक बच्चे का भी खर्च आने वाला है और उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। सिमोन इस गुनाह में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था, पर वो क्लॉडिया और उसके दोस्तों को रोक भी नहीं सकता था और इसी तरह अंत में वो कई महीनों तक लाश की पेंशन लेते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।